बारिया टाउन जे बेगुनाह गिरफ्तार कल जिसकम चेयरमैन सनान कुरैशी ए कोबी कारकुन जे आज़ादी जे लाए जेका खैरपुर रैली है उन जो मेन जो घंबड़ रवानगी है उत कारकुन अगवण जो छापा चवन अचो तो उनको पुछो टे ढी गुजरण के बावजूद कदाप थाने उन्होंने सिंपल सादो तो केस दाखिल करने तैयार ना है। सागो ही कदाप थानो जो सिंध हुकूमत जेर दस्त है उन असो कौमी अगवाण कारकुन से टीह दहशतगर्दी का केस दाखिल क्या असं समझू था इन हुकुमरान जो न का अदालत की अहमियत है न इंसाफ की अहमियत है तेज कर सारी दुनिया के बुधा था चाहूँ तो हि हुकूमत सिंध हुकूमत जो है एक ढोंग नाटक रचाए जो है असो कौमी अगवाण के गिरफ्तार किया है। जेका सिंध में जमीन की वालार पी कर खत्म किया वे दहशतगर्दी जहाँ जे भी हजारे मानून केस दाखिल किया वह जैमें सजी कौम परस क्यादत भी शामिल है उनमें जसकम सरवान सनान खान कुरैशी गिरफ्तार आ जैन शाह गिरफ्तार आ इलाही बच बिकक आ बया दोस्त हैं उन्हें सभी की आज़ादी की घुर बहरा टाउन जो मसलो है इन में हि सिंध हुकूमत जेका सिंधी मानून जे वोट ते कामयाब थी इन उदन ते पहुंची वहा बराबर जी शरीक है असां या घुर था क्यों तो असांजे अगवाणन के एकदम आजाद किया वे जे भी असांजी कौमी कारकुनन ते बेगुनाह केस दाखिल किया वह तारीख जो हैरत जो मकाम आ इबरत जो मकाम आ जो 10,000 का 15,000 मानून ते एफआईआर दाखिल कई वन ये तारीख में पेरियो दफो अमल थोड़ा उन अलावा असांजे कौमी महाज जो चेयरमैन सुनान कुरैशी अमजद महेसर या बिया जे भी असा मरकजी दोस्त हैं साईं जैन शाह है या कौमी कारकुन उन्होंने आज़ादी की अज अस भरपूर घुर कंदे जिसका अगवाण सनान खान कुरैशी समेत कौमी कारकुनन के एकदम आज़ाद किया वे पर इन रियासत में सिंध हुकूमत अदालती हुक्मन के ठुकराए मलक रियाज से केस दाखिल न करे यो साबित किया है तो उनसा गठ बणियल जैसे कौमी कारकुनन के आज़ाद न कर वो तो असे एजाज जो दायरों वसी कैमरामैन जीएम भट्टी सा गुड हाकिम भट्टी सिंध टीवी न्यूज़ गंबट।